Morning students, welcome to Jabra Public School Interactive Classes. In this video, I am going to explain you where animals live. Second part of this video, chapter number 16 in class 4. So in this video, I will explain you about the birds and their nest. The birds make nest. Birds build nest. They carefully choose a place for their nest. Bird build a different types of nest. तो जो birds होती है वो एक place search करती है, ऐसा place जहाँ पर वो अपना nest बना सके और वो अपना nest ऐसी जगह पर बनाती है जहाँ पर वो safe है और वो अपने eggs वगैरह को वहाँ पर enemy से और सबसे बचा कर रखे। और क्या करती है, different types के nest होते हैं, अलग अलग birds अपना अलग अलग type का nest होता है। तो first one is tailor bird. A tailor bird sticks leaves together with thread, wool और cotton. तो जो tailor bird होती है वो leaves को cotton और सबको thread से stitch करने का काम करती है, उनकी सिलाई का काम करती है। As this bird swings its nest, that is called a tailor bird. जैसे कि ये अपने nest को leaves, cotton और thread से सिलाई का काम करती है, धागे से हम सबसे सिलती है, इसी वजह से इस bird को tailor bird के नाम से जाना जाता है। Second है आपका wood picker. A wood picker makes its nest by drilling and picking a hole in a ट्री ट्रंक। तो वुड पिकर जो होता है वो क्या करता है, जो ट्री का ट्रंक होता है, तना होता है, उसके अंदर अपने जोर से छेद कर देता है, होल कर देता है और वही उसका नेस्ट होता है, वहां पर वो रहता है। पेंगुइन मेक्स देयर नेस्ट बाय कलेक्टिंग द पेबल्स एंड बोन्स। तो जो पेंगुइन होता है वो पत्थर, छोटे मोटे कंकर वगैरह इकट्ठा करता है, बोन्स वगैरह इकट्ठा करता है और जमीन के ऊपर ही वो अपना नेस्ट बनाकर उस पर रहता है। किंगफिशर बोरोस अ होल इन द बैंक ऑफ अ रिवर एंड यूज इट एज ए नेस्ट। तो किंगफिशर होता है वो कहीं से एक होल ढूंढता है और उसके अंदर वो रहता है। बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदियों के किनारे पर वो ऐसे होल वगैरह ढूंढता है और उसमें वो रहता है, वही उसका नेस्ट होता है। सम अदर बर्ड्स, कुकूज। कुकूज इज अ लेजी एंड क्लेवर बर्ड्स। कुकूज डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। व्हाट कुकूज डू वेन जब अपना खुद का घर नहीं बनाती, नेस्ट नहीं बनाती है, तो व्हाट शी डू, कुकूज डज शी लेस इट्स लेग्स ऑन अ क्रो नेस्ट। तो वो जो कौवे का घोंसला होता है, कौवे का नेस्ट होता है, वो अपने अंडे वहाँ पर छोड़ देती है। सेकेंड, स्पैरो एंड पिजन। स्पैरो मेक्स देयर नेस्ट इन अ ट्री एंड होम ऑल्सो। तो जो स्पैरो होती है गोरैया चिड़िया होती है और कबूतर होते हैं वो पेड़ों पर उनका नेस्ट बनाते हैं, या हमारे घरों में भी कोई ऐसी जगह होती है तो वहाँ पर वेंटिलेशन में है, टेरेस के ऊपर है, छत पे है, कहीं भी उनको एक कोना मिलता है विंडो के इधर उधर, तो स्पैरो और पिजन वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। सम एनिमल्स सी एट नाइट ओनली। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रात में ही दिखाई देता है और रात में एक्टिव रहते हैं। सम एनिमल्स आर सीन ओनली एट नाइट। Bats and owls are active only at night. Such animals called nocturnal animals. तो जो ये animals होते हैं ये रात में ही देख पाते हैं और रात में ही ये active होते हैं। Owl builds their nest in the holes of tree or walls. तो जो उल्लू होता है वो tree के अंदर वो अपना घर बनाता है, या कोई जो पुरानी buildings होती है, बर्ड building पड़ी होती है, तो उसके अंदर वो अपना घर बनाते हैं। तो इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, नॉक्टर्नल एनिमल्स के नाम से एनिमल जाने जाते हैं। थैंक यू।